तो दोस्तों कैसे हो, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो टाइटल और थंबनेल से तो जान ही गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। कह लो कि मेरे बाइक का 1 साल हो चुका है और अभी मैं 10,000 किलोमीटर इसको चला भी चुका हूँ। तो मुझे इसमें क्या क्या दिक्कत हुआ है, आपको 2024 में ये वाला बाइक लेना चाहिए या फिर नहीं, इसी सब पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। भाई पूरा व्यू देखो, मैं कहाँ पे आया हूँ अपना वीडियो वगैरह बनाने। भाई बहुत अच्छा लग रहा है यार। मतलब ये ना हमारे बाग के साइड का है, मतलब जो हमारे गाँव का साइड का है। पहले हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि भाई अभी मेरा गाड़ी कितना चला है। तो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ सिलेक्ट, यहाँ पे मैं दिखाऊँ आपको, मेरा अभी 10,000 किलोमीटर कंप्लीट तो नहीं हुआ है, 9,830 किलोमीटर है, आप देख ही सकते हो। लेकिन बीच में मेरा कुछ ख़राब हुआ था गाड़ी का, मीटर काम नहीं कर रहा था इसका, क्योंकि बीच में जब इसका मीटर का प्रॉब्लम हुआ था तो काफ़ी दिन मैंने मीटर ठीक नहीं करवाया था, मतलब आया ही नहीं था। मैं तो भाई जिस दिन मीटर इसका काम नहीं कर रहा था मैं उसी दिन गया था यहाँ के शोरूम में, तो वहाँ पे बोले कि 1 से 2 हफ्ते में आ जाएगा। तो वहाँ पे मैं जितना बाइक चलाया उसका तो काउंट होगा हुआ ही नहीं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमारा 10,000 किलोमीटर चल चुका है। हम लोग उसी सब पे बात करने वाले हैं कि आपको 2024 में R15 V3 परचेस करना चाहिए या फिर नहीं। और साल हो गए, 10,000 किलोमीटर मैं चला भी चुका हूँ, तो इसमें अभी तक ऐसा भारी दिक्कत मुझे कुछ भी नहीं लगा है। बल्कि जितना भी चीज़ें मेरे को इसका अच्छा ही लगा है, क्योंकि अभी देखो इसका भाई डिज़ाइन वगैरह मॉडल वगैरह एकदम ख़तरनाक है, जिस हिसाब से यार 2 लाख का बाइक है। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है ना, जब कोई बंदा बाइक को लेने जाता है या फिर उसके माइंड में होता है कि मेरे को ये वाला बाइक लेना है, तो वो क्या करता है ना, पहले यूट्यूब पे देखता है कि ये वाला बाइक कैसा है। में वही मीटर का प्रॉब्लम आया था, जो कि क्या था मेरे को नहीं पता है। बाकी अभी तक इसमें ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं आया कि यार मेरे को प्रॉब्लम ज़्यादा हो। बस ये भी कुछ देर पहले मैंने मीटर का बोला तो स्टार्टिंग में, अभी तक मतलब जब से मैंने बाइक लिया है इसमें मीटर का ही प्रॉब्लम आया है, बाकी गाड़ी में और कुछ भी दिक्कत नहीं आया अभी तक। मैं आपको यहाँ पे ही दिखा देता हूँ, जैसे जैस ब्रेक और डिस्पैड वगैरह। डिस्पैड तो यार मतलब आपके ऊपर है, जिस हिसाब से आप बाइक चलाओगे आपका वैसा ही चलेगा। मेरा तो यार 1 से 2 महीने में डिस्पैड ख़त्म हो जाता है। अब पता नहीं ऐसा मेरे साथ होता है क्यों है, क्योंकि मेरे काफ़ी दोस्तों के पास R15 है, उन्होंने बोला कि उनका यार 3 से 4 महीने चल जाता है एक डिस्पैड। अब ये चीज़ मेरे को नहीं समझ में आता, मैं भाई बहुत बार लगवा चुका हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे भाई डिस्क ब्रेक मैं आपको दिखा दूँ, तो इसका डिस्क अभी मतलब सही है, जिस हिसाब से मैं इसको चलाया हूँ 10,000 किलोमीटर अभी चला चुका हूँ, और देख सकते हो। बस ये तो भाई होना ही है, इसको आप 500 किलोमीटर चला दोगे ना तभी भी ये सब मतलब घिस जाएगा थोड़ा बहुत। और टायर वगैरह पे बात करें तो अभी टायर वगैरह भाई देख ही सकते हो, लगभग 1 साल मुझे हो गया बाइक को लिए, बाइक और टायर भी एकदम नया ही है अभी। मैं इसका सीन भी है तो बारिश भी बहुत ज़्यादा होता है। और आगे वाला मैं आपको दिखाऊं, तो आगे वाला तो डिस्पैड अभी तो चल रहा है, मतलब आगे वाला डिस्पैड एकदम बढ़िया है। यहाँ से कहाँ दिखता है डिस्पैड, वो रहा अंदर, इसमें दिखेगा भी नहीं। और डिस्क भी आप देख सकते हो, डिस्क भी एकदम नया है, और चक्के वगैरह आप देख ही सकते हो। तो ऐसा इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं हुआ है, खर्चा करवाया भी नहीं, और काफ़ी अच्छा मेरा चल भी रहा है। 10,000 किलोमीटर मैं चला भी चुका हूँ, लगभग 1 महीना हो भी चुके हैं, और काफ़ी मस्त है। इसी से भाई मैं नेपाल गया था, और इसी से मैं अभी नोएडा गया था, तो काफ़ी दूर दूर तक हम लोग गए, इससे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। बस थोड़ा कम्फर्टेबल के लिए अगर बात करें तो नहीं होता, वो चीज़ में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आप यहाँ पर बैठते हो और कोई दोस्त यहाँ पर बैठता है, और जब कोई लॉन्ग टूर रहता है ना प्रॉब्लम बहुत होता है। ये सब चीज़ों पे हम लोग बाद में बात करेंगे कि बाइक चलाने में कैसा है और लॉन्ग टूर के लिए कैसा है, ये सब हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। उसके बाद मैं जाऊंगा शहर के साइड, बारिश का भी पूरा मौसम बना है, बारिश भी हो सकता है, तो देखते हैं भाई क्या कैसा होता है। और मिलते हैं सीधा अपने राइड पर। तो अभी तो चलते हैं आगे और मैं बताता हूँ कि भाई 2024 में R15 V3 लेना सही है कि नहीं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना, और अच्छा लगे तो यार लाइक शेयर कमेंट और लास्ट में भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलते हैं आगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि यार मुझे प्रॉब्लम क्या क्या आया है इस बाइक में। अभी तक लगभग मेरे को 12 से 13 मतलब 1 साल तो हो गए हैं, 1 साल से ज़्यादा मुझे हो गया इस बाइक को चलाते हुए, मतलब लिए हुए, चाहे लिए हुए बोल दो चाहे जलाते हुए बोल दो। और मैंने इसको 1 साल में 10,000 किलोमीटर चला भी दिया है। तो अभी तक मुझे क्या क्या इसमें दिक्कत आया है, लगभग मेरा मतलब मेरा 4 सर्विस भी हो चुका है, जितने भी सर्विस करवाए थे मैंने सारे सर्विस दिखाए थे आप सभी को, क्या क्या चेंजिंग हुआ है, क्या क्या कैसा क्या है, मतलब सब कुछ मैंने आपको बताया था अपने वीडियो में।
बार भाई चौथा सर्विस मैंने करवाया और मैं नोएडा से घर पे आया तो मेरे लगभग 10,000 किलोमीटर हो ही गए थे। तो मैंने सोचा कि लाओ मैं वीडियो बना भी देता हूँ और अपना रिव्यू भी दे दूंगा कि भाई बाइक लेना चाहिए कि नहीं, क्योंकि काफ़ी लोग बोल रहे थे यार, मतलब एक दो लोग का कमेंट आया था मेरे पे। तो मैंने सोचा कि यार मैं इस पर वीडियो बना ही देता हूँ जिससे यार आप लोग का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। अबे यहाँ पे देखो भीड़, भाई भीड़ देख रहे थे पूरे चक्कर जाम। मैं आपको सच बताऊँ ना भाई, ऐसा मत सोचना कि मेरे पास ये वाला बाइक है तो मैं इसके लिए अच्छा ही बोलूँगा, ऐसा नहीं है। और जो भी हुआ होगा मैं आपको वही बताऊँगा। ऐसा भी नहीं है कि मुझे अगर कुछ अंदर से प्रॉब्लम हुआ होगा बाइक में या फिर ज़्यादा खर्चा करवाया होगा तो मैं उचित छुपाऊँगा। तो जो बात है भाई मैं क्लियर बताऊँगा। तो प्रॉब्लम का अगर हम बात करें ना तो मैं आपको सच बताऊँ, मुझे अभी तक इस बाइक में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं लगा है आने में, मतलब हो तो मुझे पर्सनली दिक्कत कुछ भी नहीं आया। आप लोग बड़े आराम से ले सकते हो इस बाइक को, मैं अपना पर्सनल रिव्यू दे रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं RM5 का भाई भलाई कर रहा हूँ। तो आप लोग 2024 में अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो। और अगर उसी जगह पर हम अच्छाई की बात करें, मतलब इस बाइक में अच्छाई क्या क्या है। आगे कांवर जा रहा है तो मैं यहाँ से सोच रहा ना गाड़ी मोड़ लूँ अपना, क्योंकि आगे जाऊंगा ना तो यार वहाँ पे भीड़ वगैरह काफ़ी है। ये बताऊँ ना, मैंने जब से बाइक लिए हैं भाई 2 लाख में, मतलब 2 लाख भी नहीं है, 1,98 के आसपास आपको मिलेगा ये वाला बाइक 2 लाख में। ये वाला बाइक में डिजाइन है, चलाने में मज़ा आता है, 154 के आसपास इसका इंजन है ना, तो उतना तो अभी मैंने भगाया नहीं, बट 142 तो मैंने इसको भगाया भी है। तो में मिलते हैं इंजन 200 cc और वो भागते भी नहीं उतना, तो उससे तो बेहतर ही है यार। मैं 150 cc दिया है तो लगभग 145 तक तो जाता ही है। और काफ़ी लोग बोलते हैं कि ये वाला बाइक 154 तो जाता है, मैंने भाई अभी नहीं भगाया है ना भागा है मेरे से, जितना था जितना इसका औकात है मैंने भगा दिया है। आगे कभी भागेगा तो यार मैं बताऊँगा उसके बारे में, बट अभी तो नहीं भागा है। तो ये भी सही है यार, कोई ज़रूरत नहीं है इतना आपको भगाने का ना। अभी मेरा प्लान ये था कि मैं KTM लूँगा, पता नहीं मैंने बताया था कि नहीं बताया था, बट चलो सब बात का बात है। और इसमें अच्छाई की बात करें तो इसका एवरेज भी ठीक है, लेकिन एवरेज जिस हिसाब से MH वाले बोलते हैं कि आपको एवरेज इतना मिलेगा 45 का मिलेगा, ओहो बारिश होने लगा, तो यार इसमें 45 का एवरेज नहीं मिलता, देखना पड़ेगा। पहले मैं एवरेज का क्लियर कर दूँ, तो जिस हिसाब से MH वाले बोलते हैं कि आपको 42 का एवरेज मिलेगा, 45 का एवरेज मिलेगा, तो इसमें तो मेरे को उतना एवरेज नहीं मिला है, लेकिन जितना भी है ठीक है। एवरेज इसका अभी 22 से 25 तक ही जाता है लगभग, मुझे मिल रहा है स्टार्टिंग में तो मिनिमम गया तो 16 और अभी मेरे को मिल रहा है मैक्सिमम है 26 और इस टाइम मेरे को मिल रहा होगा 24 से 25। तो एवरेज के मामले में अगर बात करोगे तो आपको इतना ही एवरेज मिलेगा, 30 बड़े मुश्किल से पार करेगा, वो मेरे को नहीं पता कैसे पार करेगा। ओह तो एवरेज हिसाब से मतलब MH वाले बोलते हैं ना कि आपको इतना एवरेज मिलेगा, नहीं मिलता यार। मैं आपको सही बता दूँ, जो रियलिटी है मैं वही बताऊँगा, ऐसा नहीं कि मैं कुछ इसमें छुपाऊँगा। इतना भी यार एवरेज मेरे को ठीक लगता है, 22 से 25 एवरेज बहुत है यार। स्पोर्ट बाइक, इतना अच्छा डिजाइन दिया है बाइक में। तो यहाँ पर एवरेज का भी मैंने क्लियर कर दिया, अब बचता है यार और इसमें अच्छाई क्या है। बाइक का डिज़ाइन भी आप लोग जाके देख लेना, सामने से देखोगे तो ज़्यादा आपको सही लगेगा, ऐसे बताऊँगा तो। ऐसे बताऊँगा तो मज़ा नहीं आएगा, इससे बढ़िया यार आप लोग जाके मतलब वहाँ पे ही देख लेना, बेहतर रहेगा। अभी रिएक्शन मिलना है बहुत। तो डिज़ाइन भी इसका बहुत अच्छा है, बस आपका यार ना थोड़ा फिटनेस सही होना चाहिए, बेहतर बहुत अच्छा लगेगा। मतलब मेरा तो काफ़ी ज़्यादा यार, मैं पतला हूँ ना और हाइट भी सही है,
मतलब हर हिसाब से यार मेरा फिटनेस सही नहीं है भाई, 50 किलो का हूँ तो समझ सकते हो। पूरा खराब हो गया। जब हम शहर में गए तो वहाँ पे बारिश बहुत होने लगा, तो भाई बारिश के कारण मैं घर पे आ गया क्योंकि मेरे को डर था यार, मतलब मैं वैसे भी बहुत भीग गया था। तो मैंने सोचा कि यार अपना वीडियो तो कंप्लीट हो चुका है, बाकी मेरे को पता है भाई मैंने इसमें ज़्यादा कुछ खास चीज़ें नहीं बताए हैं, और बताऊँ भी क्या, क्योंकि जितना बोलना था मैंने बोल दिया, उसमें मेरे को ऐसा कुछ भी उसमें प्रॉब्लम नहीं लगा है। तो मैं बताऊँ कि भाई इसके कारण आप बाइक मत लो। मैं तो अभी भाई 1 साल हो गए, बहुत अच्छे से चल रहा है मेरा बाइक, और अगर किसी का प्रॉब्लम हुआ होगा, किसी का बाइक में दिक्कत हुआ होगा तो उसका अलग दिक्कत है, मेरे को नहीं पता। लेकिन अभी मेरा 10,000 किलोमीटर चल चुका है और 1 साल हो भी चुका है, सब कुछ दिखाया मैंने आपके सामने। आगे अगर कुछ होता है तो भाई मैं उस पर वीडियो बना दूंगा कि इसमें ये दिक्कत हो रहा है, अभी इस टाइम में ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसके बारे में बता दूंगा। तो भाई मैं एक बार नहीं, हज़ार बार बोलूँगा कि अगर आपको ये वाला बाइक लेना है तो आप ले सकते हो, बहुत अच्छा बाइक है। तो मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं लगा है, आगे लगता है तो यार मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। लेकिन अगर आपको इसके बारे में कुछ और भी जानना है आप लोग कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और अगर छोटा मोटा भाई आपका सवाल रहेगा तो मैं उसका रिप्लाई आपके कमेंट में ही दे दूंगा। बारे में मुझे और कुछ नहीं बोलना है, आप लोग देख लेना और लोगों का भी वीडियो देख लेना, क्या पता उनको और दिक्कत हुआ होगा, बट मेरे को तो ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं हुआ है अभी तक। मैं भाई अपना बाइक लेके बहुत खुश हूँ। तो चलते हैं भाई, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तो टाटा बाय बाय।